वेलकम टू द ओनली बिगिनर्स मेकअप किट वीडियो जो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था मैं चाहती थी ऐसा कोई एक वीडियो मिले जो मेरे को ऐसा नहीं मिला था, तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। ओके, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेकअप के पहले स्किन केयर बहुत अच्छे से करना। अगर आपका बजट कोई एक चीज का, तो पहले स्किन केयर में इन्वेस्ट करो, कीप इट लाइक सेफ पहले एंड देन अप्लाई मेकअप ऑन इट। फर्स्ट स्टेप इन मेकअप इज अप्लाइंग अ गुड प्राइमर। ना मेरे बड़े बड़े पोर्स है चीक एरिया पे और नोज के आसपास एंड फोरहेड एरिया में, एंड दैट इज वाई एक प्राइमर का मुझे काफी बेनिफिट पड़ता है। प्राइमर को अंदर रब नहीं करना, घिसना नहीं है, बस के हाथ से इसको टैप करके अंदर डाल देना है। इनसाइड का प्राइमर इज रियली नाइस, मैंने इसको पहले भी यूज किया है एंड इट डज द जॉब वेरी वेल। एज पर द टाइटल इन द वीडियो, ऑल द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी अंडर ₹300 ईच। पूरा मेकअप के 300 के अंदर ही है, हर एक प्रोडक्ट 300 के अंदर है। तो प्राइमर करता क्या है कि पोर्स के अंदर जाके इट विल सिट एग्जैक्टली सो दैट द अदर मेकअप डजंट गो इनसाइड, क्योंकि अगर फाउंडेशन वगैरह अंदर चले जाता है ना तो पोर्स दिखते भी है एंड पोर्स के लिए अच्छा भी नहीं होता। सो प्राइमर प्रोटेक्ट्स इन दैट मैनर। अभी आप या तो पहले बेस कर सकते हो या तो पहले आईज। आई प्रेफर डूइंग आईज फर्स्ट, क्योंकि जो भी आई शैडो वो नीचे गिरता है ना, फिर वो क्लीन करने में इजी पड़ता है। तो फर्स्ट आई विल अप्लाई कंसीलर ऑन द आईज। नाउ एक्चुअली इन दिस बजट स्विस ब्यूटी का कंसीलर इज रियली नाइस, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है इसलिए मैं मेरा मेबलिन वाला यूज कर रही हूँ। सेल में ये 300 के आसपास मिल जाता है। और फिर आता है आई शैडो। निका के का आई शैडो पैलेट मैं भी फर्स्ट टाइम यूज की फॉर दिस वीडियो एंड इसका क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट ये जो सेंटर शेड है दैट वी यूज टू न्यूट्रलाइज द आईज। वैसे तो फ्रॉम दिस वन पैलेट यू कैन क्रिएट मोर देन 20-30 लुक्स, बट दिस इज द इजिएस्ट मेकअप लुक जो मेरे को आता है। लेकिन फ्रॉम टुडेज एक्सपीरियंस, अगर मुझे आई शैडो में कोई एक पैलेट चूज करना होता, निका के इज द विनर। बट दिस पैलेट इज मोर वर्सेटाइल। दिस वन यू कैन यूज एज अ ब्लश, हाइलाइटर, कॉन्टोर, अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वन पैलेट ओनली। बट डिपेंड्स कि आप कौन से पर्पस से लेना चाहते हो। हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड क्वालिटी आई शैडो, इसके उसको ब्लेंड करना ईजी होना चाहिए और बहुत सारा आईज के इधर अंडर आईज के नीचे नहीं करना चाहिए। विच यू कैन सी कि दिस आई शैडो पैलेट में फॉल आउट बहुत ही कम था, ना के बराबर था, एंड वॉज वेरी इजी टू ब्लेंड टू। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड कि एक आई शैडो पैलेट अच्छा है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप दैट आई यूजुअली डू इज काजल, और ये है नायका का 24/7 काजल। आई अप्लाई काजल ऊपर के आईलेट में भी क्योंकि मुझे वो इफेक्ट अच्छा लगता है, बट बी वेरी वेरी केयरफुल, पेंसिल को ऊपर मत लेके जाना, इट्स वेरी रिस्की। हाउ टू आइडेंटिफाई ए गुड काजल, इसके वो स्मज जल्दी से नहीं होना चाहिए, बिकॉज अपने आंखों में से पानी तो आते रहता है, तो हाफ डे के बाद यू डोंट वॉन्ट कि इधर कालापन हो जाए। सो दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ गुड काजल, क्योंकि आजकल मोस्ट काजल्स आर पिगमेंटेड, पिगमेंटेशन अच्छी आती है, बट वो कितना टिकता है इज वॉट यू नीड टू सी फॉर अ गुड काजल। एंड ये वाला काफी टिकता है बिकॉज आई हैव यूज्ड इट अ लॉट। ये पैकेट देख के समझ रहा होगा कि काफी ज्यादा यूज है ये। देन आई लाइक टू मूव ऑन टू आई लाइनर, एंड एक्चुअली आई लाइनर में लैक्मे का इंस्टा लाइनर इज क्वाइट अनबीटेबल। तो आई एम गोइंग टू यूज ये रिमल का स्कैंडलाइज स्केच पेन वाला आई लाइनर, एंड यूजली स्केच पेन आई लाइनर्स महंगे आते हैं, बट दिस वन का MRP इज 500 एंड ड्यूरिंग द सेल यू कैन गेट दिस फॉर अराउंड 300 rupees। एक अच्छा आई लाइनर का टेस्ट इज वेरी सिमिलर टू काजल, के पिगमेंटेशन अच्छा होना चाहिए एंड कितना टिकता है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इसका पिगमेंटेशन इतना खास नहीं है, एंड मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी स्केच पेन लाइनर्स की पिगमेंटेशन ऐसी आती है, ये इसकी तो काफ़ी कम है, इससे काफ़ी थोड़ी बेटर आती है। बट इफ़ यू वॉन्ट प्रॉपर पिगमेंटेशन तो go for liquid liners and Lakme Insta liner. If you're starting in makeup, बस Lakme का Insta liner ले लो, it will do your job एकदम अच्छे से। फिर मैं करती हूँ मस्कारा, एंड मस्कारा में हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक है मेबलिन का हाइपर कर्ल एंड दूसरा है फेसेस का मैग्नेटाइज। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कि ये मस्कारा मेरे से ओपन हो ही नहीं रहा है, तो थैंकफुली इन दिस ऑर्डर ओनली मेरे को यही मस्कारा एक मिनी वर्जन में फ्री मिला था, क्योंकि मेबलिन के काफ़ी प्रोडक्ट्स लिए ये वीडियो के लिए, तो कुछ 500 के अबव ये फ्री मिला था ऐसा था। सो वी कैन स्टिल ट्राई इट आउट। ये वाला भी नहीं खुल रहा है, ये वाला तो खुल रहा है ना, लेट्स ट्राई। हाँ ये खुल गया। आई थॉट कि मैं वीक तो नहीं हो गई। हाश तो ज़्यादा विजिबल नहीं है कैमरा पे, लेकिन द मस्कारा हैज़ मेड द आई लैशेज काफ़ी लंबे, तो ये एक लेंथनिंग मस्कारा है। ओह व्हाट, आई मेड सच अ मिस्टेक, ये मस्कारा नहीं ये आई लाइनर है। आई थॉट इट्स मस्कारा। डबल कोट करते हुए तो लिक्विड आई लाइनर, क्योंकि आई डेफिनेटली थिंक फ़र्क गिरेगा। इधर ना जो मिस्टेक हो गया है वो मैं वाइप ऑफ कर लूँगी, वो ईजी है करना, लेकिन दिस इज़ द फाइनल आई।
If you want Lakme Instaliner का alternative, this is amazing. Price में difference है लेकिन quality में भी difference है. It is very easy to apply. Okay, then I move on to eyebrows usually. And I love using eyebrow pencil. In our budget, this Etude House का brow pencil काफी अच्छा है. एक side पे you get as a crayon and दूसरे side पे है spoolie. पहले मुझे लगता था कि spoolie useless है, but नहीं, spoolie actually बहुत काम में आता है. And भगवान की दया से मुझे काफी अच्छे शिनचैन आईब्राउज मिले हैं, तो आई मेक इट अ पॉइंट टू यूज एक ट्रांसपेरेंट मस्कारा टाइप जेल जिससे मेरे आईब्राउज नहीं हिले. बस मैं आईब्राउज के लिए इतना ही करती हूँ. नाउ अ गुड आईब्राउ पेंसिल शुड बी कलरिंग योर आईब्राउज अच्छे से, बट पतला होना चाहिए ताकि यू कैन चूज वे टू अप्लाई. दिस इज अ रियली रियली गुड वन. एडवांटेज ऑफ डूइंग कंसीलर बाद में, यहाँ पे जो सारा मस्कारा गिरा हुआ है ना, वी कैन ईजिली क्लीन इट अप. जैसे ड्राई होता ना, आई जस्ट wipe it off. Actually, earbud से करना चाहिए. बस now we move on to the base. And base में again I'm going to do concealer पहले. एक अच्छा concealer का qualities will be कि वो crease नहीं करेगा and coverage भी decent देगा, cake ही नहीं बनेगा. So I haven't tried that many concealers, लेकिन मुझे sugar वाला थोड़ा जमता नहीं है. मेरे को ये Maybelline वाला काफी जमता है and Swiss Beauty वाला जमता है. So that's how you can identify whether a concealer is suiting you or not. And concealer ज़्यादा light भी मत लो, क्योंकि फिर अगर pigmentation है जैसे डार्क सर्कल्स है तो दिख के आते हैं उसमें से. जस्ट बाय योर शेड, और मैंने तो एक शेड थोड़ा सा डार्क लिया है, बट इट वर्क्स बेटर फॉर मी. फिर फाउंडेशन में फिटमी फाउंडेशन का मेरा ये फर्स्ट टाइम है, बट इट इज अ वेरी 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 गुड बजट फाउंडेशन. प्लस ये जो पैक है ना, ट्राइंग के लिए इट्स गुड. बस एक ही प्रॉब्लम है कि छोटे पैक में ज्यादा शेड्स नहीं है. अच्छे फाउंडेशन की क्वालिटीज आर अगेन सिमिलर टू द कंसीलर, कि वो केक ही नहीं होना चाहिए, इजिली ब्लेंड होना चाहिए एंड कवरेज भी अच्छा होना चाहिए. इस फाउंडेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका क्वांटिटी. द बिग बॉटल एक बार व्हेन यू ट्राइड के छोटा वाला आपको जम रहा है, बिकॉज दैट इज मोर वैल्यू फॉर मनी. आई हैव ट्राइड अदर फाउंडेशन अपने 100 रुपीज मेकअप चैलेंज में, लेकिन वो क्वालिटी और एक क्वालिटी में काफी फर्क तो है. अभी मैं तुरंत इसको पाउडर से सेट करूंगी, एंड पाउडर में टू ऑप्शन ही है. सबसे पहला है ये फेसेस का कॉम्पैक्ट, and that I will use under eye area में. And second option है Lakme का ये loose powder. Actually they call it rose powder. So एक अच्छे powder की quality होती है by how फाइन द पार्टिकल्स आर, मतलब पार्टिकल्स कितने छोटे. बिकॉज अगर बड़े पार्टिकल्स होता है ना, तो वो एक पाउडर का पार्टिकल आपका सारा लिक्विड फाउंडेशन कलेक्ट कर लेता है, फिर उधर केकी केकी हो जाता है, डॉट्स हो जाते हैं. सो दैट इज नॉट फन. सो यूजली जो एक्सपेंसिव पाउडर्स होते हैं, जैसे लॉरा मर्सियर हो गया, मैक का स्टूडियो फिक्स हो गया, वो एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं. दैट्स वाई प्रोबेबली देर एक्सपेंसिव. लेकिन दीज टू आर ऑल्सो गुड इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग इन मेकअप, या आपको अच्छा एक यू नो इट कैन गिव यू गुड पुश स्टार्टिंग में. नाउ वी विल मूव ऑन टू ब्लश. ब्लश करना मुझे बहुत पसंद है, एंड आज के लिए वी हैव वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन. नाउ वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज अ वेरी टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने मुझे सिखाया था कि ब्लश को ये साइड पे ज्यादा लगाने का कंपेयर टू दिस साइड, मतलब एकदम फ्रंट में नहीं लेके आने का, पीछे ज्यादा डालने का. आई डोंट नो उसका एग्जैक्टली लॉजिक क्या है. एंड थोड़ा नोज पे. ब्लश का टेस्ट इज ऑल्सो द सेम, कि कितने छोटे पार्टिकल्स है उसके बेसिस पे कितना अच्छा ब्लेंडिंग होता है. दैट इज हाउ अ गुड ब्लश इज डिफाइंड. एंड बेस में फाइनल स्टेप है हाइलाइटर. आई लव 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 हाइलाइटर. तो अनफॉर्चुनेटली दिस हाइलाइटर इज नॉट दैट पिगमेंटेड. मैं ये फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ. आई बॉट दिस स्पेशली फॉर दिस वीडियो, लेकिन इतना मजा नहीं आया. सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज कि विच हाइलाइटर इज गुड अंडर रुपीज 300. आई हर्ड कि मेबेलिन का जो मास्टर स्ट्रोब, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन वो कुछ 500 का है, एंड दैट इज रियली गुड ऐसा मैंने सुना है. बट दिस वन अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट लाइक, ये वाला मत लेना. सो आई लिंक द अदर हाइलाइटर्स दैट आई लाइक, जो एक्सपेंसिव है बट एटलीस्ट दे वर्क. सो हाइलाइटर का काम रहता है यहाँ पे शाइन डालना, लाइक द हाई पॉइंट्स वेयर यू बेसिकली पुट इट, बट कितना ज्यादा दिख नहीं रहा है. सो गुड हाइलाइटर इज डिफाइंड बाय अगेन इसके पार्टिकल्स. इफ इट्स अ पाउडर हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर है तो प्लीज पाउडर लगाने के पहले लगा लेना, एंड उस पर फिर हल्का सा यू कैन पुट अ पाउडर हाइलाइटर, एंड हाउ शाइनी इट मेक्स यू लुक. तो लाइक द शाइनियर द बेटर फॉर मी इन अ हाइलाइटर. और फाइनल स्टेप है लिपस्टिक. लिप बाम भी लगाना चाहिए था पर मैं लाना भूल गई. तो न्यूट्रीजीना का लिप बाम बहुत अच्छा है, एंड नायका का भी एक लिप बाम अच्छा है जो मैंने रिसेंटली ट्राई किया था, वो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी. एंड फॉर लिपस्टिक आज अपने पास तीन ऑप्शंस है. तो ये दोनों है पहले ऑप्शंस, स्वॉच करते हैं. फर्स्ट वन है मद्रास कापी, बहुत सुना है इसके बारे में. सेकंड वन है चाय, 1-8 चाय.
तो वाई आई चोज दीज टू शेड्स इज के ये जो ब्राउन होता है ना वो बजट में ढूंढना कभी कभी डिफिकल्ट होता है. सो दिस शेड इज़ वेरी क्लोज टू मैक का टॉप, एकदम ड्यूप तो नहीं है बट इट्स क्वाइट क्लोज. एंड वो वाली फुल साइज लिपस्टिक मैंने 1800 की ली थी, तो यू कैन गिव दिस अ शॉट कि आपके स्किन टोन पे आपको पसंद आता है कि नहीं इफ़ यू आर बाइंग मेकअप ऑनलाइन. एंड द फाइनल ऑप्शन वी हैव इज मेबेलिन का ये वाला शेड. It looks good. तो usually I've seen people use these lipsticks, इसलिए मैंने ये choose किए. I feel like mixing ये brown और ये pink, which is Madras Kapi और Maybelline वाला. Mixing is not looking good. I made it lighter. पर ये है अपना final finished look. कमिंग टू स्किन केयर बिफोर मेकअप बिफोर वी एंड द वीडियो, वी हैव अफोर्डेबल में पॉन्ड्स का ये ऑप्शन है. लैक्मे का पीच मिल्क वाला भी मॉइस्चराइजर अच्छा है. इफ यू वॉन्ट टू गो हैवियर देन आई वुड रिकमेंड दीज टू, सेटाफिल वाला एंड न्यूट्रीडर्म वाला. आज मैंने न्यूट्रीडर्म वाला यूज़ किया है बट देर बोथ वेरी वेरी गुड इन कीपिंग लाइक इन अ मोर थिक मॉइस्चराइजिंग लोशन जो फिर भी मेकअप एप्लीकेशन अलाउ करता है. ये जो पॉन्स वाला है ना इट्स एनी विच वे इज अ लाइटर फॉर्मूला, इवन द लैक्मे वन इज अ लाइटर फॉर्मूला, बट आई डू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड गुड मॉइस्चराइजर्स जो अपने फेस को यू नो हाइड्रेटेड रखते हुए दे अलाउ मेकअप टू बी पुट ऑन इट. एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू मॉइस्चराइज, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू यूज अ हल्का सा कुछ, तो ये माइक्रो एसेंस भी लॉरियल का काफ़ी अच्छा काम करता है मेकअप के नीचे. आई यूज इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एंड उसके ऊपर मेकअप की फिनिशिंग अच्छी काफ़ी आती है. डू रिमेंबर कि एक बिगिनर ही आपको बिगिनर्स मेकअप किट बता रहा है, तो मैं एकदम प्रोफेशनल नहीं हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग, मुझे जहाँ पहुँचना है मेकअप में काफ़ी ज़्यादा स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँचने के लिए, तो आई एम स्टिल लर्निंग. लेकिन अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो बस ये वीडियो बनाना वसूल रहा. सो इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर आपको मज़ा नहीं आया तो गिव इट अ थम्स डाउन. सारे के सारे मेकअप के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.